बट ट्रिप स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। हाउ इज द जोश? हाय सर। ओके। और ये 2 डिग्री सेल्सियस। भैरो काटी। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल अगेन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो आप लोग मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट देख सकते हो क्योंकि फाइनली आज हमारी ट्रिप स्टार्ट होने वाली है। बट ट्रिप स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, छोटी सी नहीं बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि जो हमारे साथ हमारा फ्रेंड जा रहा था कुशाग्र एक्चुअली पठानकोट में फंस गया है क्योंकि वहाँ पर स्ट्राइक हो गई है। वो पठानकोट से आ रहा था, उसकी आज दोपहर की ट्रेन थी, बट वो आ नहीं पाया। अभी तक वो पठानकोट में फंसा हुआ है, ना वो कहीं और जा पा रहा है, कहीं और से निकल नहीं पा रहा। सारे बॉर्डर्स पठानकोट के सील कर दिए हैं, पता नहीं किस बात की स्ट्राइक चल रही है। बट एनीवेज टाइम के साथ खेलेंगे अब कि अगर 10 बजे तक वो पहुँच गया अंबाला तो हमारी ट्रेन में बैठ जाएगा, एल्स उसको कल वाली ट्रेन से आना पड़ेगा। तो होप फॉर द बेस्ट, आई होप कि वो पहुँच जाए जल्दी, नहीं तो फिर उसको कल ही आना पड़ेगा। सो पैकिंग वगैरह सब हो गई है। ये एक मधुर के बैग हैं, ये मेरा बैग है, एंड रूम थोड़ा मैसी है उसके लिए सॉरी। सो अभी इस भाई साहब का मेकअप हो गया, मेकअप करके अभी फ्री हो गए हैं। भाई मेकअप भी तो करता तू। सो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है, एंड अभी हम जा रहे हैं कार्तिक के घर पे। कार्तिक के घर से फिर जाएंगे हम स्टेशन। सो जो भी होगा आपको ब्लॉग में दिखाते रहेंगे, एंड हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। सो बिना किसी देरी के आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग अभी आ चुके हैं कार्तिक के घर पे, एंड गाइस जो प्रॉब्लम थी वो छोटी से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। कुशाग्र की ऑलमोस्ट ट्रेन मिस हो चुकी है, अब वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आज रात की ट्रेन वो पकड़ पाए। तो हम कोई और जुगाड़ बिठा रहे हैं कि वो कल की ट्रेन से आ जाए, बट वहाँ पे पहुँच जाए। सो बस अभी यहाँ पे कार्तिक भाई हैं और मधुर बस रजाई में बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि भी और क्या रास्ते मिल सकते हैं उसको वहाँ पहुँचाने के। 6 बजने वाले हैं तो 2-2.5 घंटे हैं, उसके बाद निकलेंगे स्टेशन के लिए। सबको मिलते हैं बाद में। सो खाना पीना हो गया पेट भर के, एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया था आंटी जी ने। सो बस अभी निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। 8 बज गए। सो 9:30 की ट्रेन है तो फटाफट चलते हैं। सो हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे, एंड गाइस सीरियसली यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, आप ट्रैफिक देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा है। अभी बस अंदर जा रहे हैं, 9:30 की ट्रेन है, 9 बज गए हैं और बस यहाँ पे निकल रहे हैं। हाउ इज़ द जोश? हाय सर। सो वी हैव फाइनली रीच्ड बरेली, एंड अभी सुबह के 5:30 हो गए हैं, एंड अभी सिर्फ 4 मिनट का गैप है और हमारी तो हमें एक दूसरी ट्रेन पकड़नी है। बाकी हमारे बंदे गए हैं वहाँ पे टिकट लेने और मैं और कार्तिक भाग रहे हैं बस प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर। तो आपको मिलते हैं अगर ट्रेन पकड़ ली तो बहुत बढ़िया होगा। सो बरेली से हमें लालगांव की ट्रेन मिल गई है, एंड अभी हम ट्रेन में ही बैठे हुए हैं। तो बस 1.5 घंटे का सफ़र रह गया और फिर हम लालगांव पहुँच जाएंगे और फिर आगे का सफ़र आपको बताएंगे कि क्या क्या प्लान्स हैं। मतलब आज पूरा दिन हमारा यही निकलने वाला है काठगोदाम के आसपास जो काम वाम है। उसके बाद रात को हम पहुंचेंगे नैनीताल और कल हमारा नैनीताल में जो असली ट्रिप है वो स्टार्ट होगा कायदे में। सो वी हैव फाइनली रीच्ड आवर स्टेशन लालकुआं, एंड यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जीपन यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं, मेरे को छोटा सा काम है, बस जीपन जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से हम निकलेंगे काठगोदाम के लिए, काठगोदाम से हमें बस मिलेगी नैनीताल की। सो अभी बस लालकुआं स्टेशन पे हैं, फटाफट चलते हैं ऑटो लेते हैं एंड दिखाते हैं आपको कॉलेज कैसे। और इस समय हमें ट्रैवल करते हुए लगभग 12 घंटे होने वाले हैं, एंड इस टाइम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पूरी रात से नींद नहीं पड़ी है ट्रेन में। एंड बरेली से जो हमने लालगांव की ट्रेन पकड़ी है गाइस सीरियसली 2 मिनट का अंतर था, और जस्ट हम अपनी ट्रेन से उतरे, भाग के दूसरे प्लेटफॉर्म में गए और वहाँ से ट्रेन पकड़ी है। तो बस इतने से फ़र्क से हमें ट्रेन मिल गई, वरना हम लेट हो जाते। सो काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, अभी जाते हैं गेस्ट हाउस में, थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर आगे को निकलते हैं। अगर
सो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 एंड हम 10 बजे के करीब हम पहुंच गए थे जी V1 यूनिवर्सिटी। मेरे को थोड़ा सा काम था तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे गेस्ट हाउस में कुछ आर्ज के लिए रूम ले लें, तो थोड़ी बहुत रेस्ट भी हो जाएगी एंड फ्रेश वगैरह भी हो जाएंगे हम। तो बस अभी ये पीछे गेस्ट हाउस है, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, थोड़ी देर सो लिया, थोड़ा फ्रेश हो गया क्योंकि पूरी रात से सोए नहीं थे, नींद नहीं पड़ी थी ट्रेन में बिल्कुल भी। और कुशाग्र दिल्ली से आ रहा है और वो हमें हल्द्वानी मिलने वाला है, तो बस हम अभी यहाँ से तैयार होकर निकल रहे हैं हल्द्वानी की ओर एंड कुशाग्र भी वहीं से हमें मिलेगा। एंड वो भी गाइस बहुत ज़्यादा थका होगा क्योंकि वो 2 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहा है, तो बस अभी निकल रहे हैं तैयार होकर फटाफट। एंड यहाँ पे मौसम अच्छा है काफ़ी एंड व्यू भी काफ़ी अच्छा है, यूनिवर्सिटी बहुत एक नंबर है, मतलब ग्रीन ग्रीन एकदम, मज़ा आ रहा है घूमने का। तो बस अभी निकल रहे हैं हल्द्वानी की ओर, वहाँ से रात की बस पकड़ेंगे और नैनी तक। शाम के 6:30 हो रहे हैं एंड हम फाइनली हल्द्वानी पहुंच गए हैं एंड अब कुशाग्र का वेट कर रहे हैं रोड के साइड पे खड़े होकर। कुशाग्र बस 2-3 मिनट में हमारे पास आने वाला है एंड हमें पता है वो बहुत ज़्यादा थका होगा, उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है। मतलब कितने हमने कैलकुलेट किया था, 1280 किलोमीटर वो 2 दिन में ट्रैवल कर चुका है, 3 दिन में। सो लगातार ट्रैवल कर रहा, उसने रेस्ट भी नहीं की है, मेरे को उसके लिए दुख हो रहा है सीरियसली। तो बस अभी उसका वेट कर रहे हैं एंड फिर उसके बाद चलते हैं टैक्सी स्टैंड से हमें मिलेगी टैक्सी नैनीताल की। तो बस आज फटाफट से होटल पहुंच जाए, थके बहुत ज़्यादा है, नींद बहुत ज़्यादा है सबको। तो बस अभी बस रोड के किनारे वेट कर रहे हैं उसका। टोके टोके और मेरे से तो गले मिल ले, मेरे से तो गले मिल ले 4 दिन में। क्या हाल है भाई? भाई दिन कहने की बात है, कहने की बात है, एक दिन में 4 स्टेट 1200 किलोमीटर भाई कहने की बात है भाई। हैट्स ऑफ कुशाग्र को, दोबारा गले मिलो। हमने उम्मीदें छोड़ दी थी, भाई बहुत खुशी हुई। हमने मतलब सोच रहे थे कि अगर तू ना होता ना तो बड़ा मतलब इनकम्प्लीट सा ट्रिप हो जाता। ओहो दैट्स 10 मिनट ब्रो, चल गाड़ी में बैठ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत सही एंजॉयिंग मैन। कुशाग्र को सबसे ज्यादा मजा आ रहा है भाई, मैंने तो रिकॉर्ड बना देना है पूरा इंडिया टूर मारूंगा ऐसे बस से, बसों में से भी नहीं पहले बस से, एक बस स्टैंड से दूसरे बस स्टैंड भाग टाइम से खेलो। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन नैनीताल एंड सीरियसली इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, हाथ ना ठंडे हो गए एकदम, मतलब इतने से एरिया में भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। क्यों भाई? टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर देख जरा, लेट मी चेक फॉर अ सेकेंड मैन। लग रहा है 3-4 के करीब होगा अभी भाई, 3-4 तो होना ही चाहिए भाई, 3-4 का होगा, रात को और गिरेगा मुझे लग रहा है, 3-4 होना चाहिए। सो अभी होटल देख रहे हैं कहीं आसपास और उसके बाद फ्रेश होंगे, कुछ खाया नहीं है ढंग से सुबह के बाद तो बस खाएंगे। और इस भाई को अच्छी तरीके से रेस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेस्ट मुझे नहीं तो भाई मैं मौत I'll die. और ये 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है यहाँ का, काफ़ी ठंड है, मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, 2 डिग्री सेल्सियस हाथ जम रहे हैं। सो अभी रात के 9:30 हो रहे हैं एंड अब जाके हमें अपना होटल मिला है। एंड गाइस सीरियसली आप चढ़ाई देख लो कितनी ज़्यादा स्टीप है, हमें ऐसा लग रहा है भैरव घाटी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं इस समय। एंड अगर आप लोग नैनीताल में आते हो तो आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने होटल्स वगैरह पहले से बुक कर लो। जो हमने गलती की, हमने पहले होटल बुक नहीं किया, लेकिन अब ठीक रेट पर मिल गया हमें, बट बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, स्टीप चढ़ाई है एकदम। अब मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ देखो पीछे कहाँ से चढ़ के आ रहे हैं हम लोग, फट चुके गाइस, -1 degree खत्म भैरव घाटी खत्म, टाटा बाय बाय भैरव घाटी की चढ़ाई एकदम स्टीप वाला। माफ लियो कुशाग भाई, अच्छा कितने डेज के बाद खाना खाने लगे? भाई 2 दिन के बाद खाना खा रहा हूँ, इतने दिनों दिन से ब्रेड पकौड़ा बिस्किट चिप्स समोसा चाय पे चाय कॉफी यही सब पी रहा हूँ। सो अभी टाइम हो गया रात के 11 एंड हम नैनी झील के पास में बस टहल रहे हैं, आइसक्रीम खा ली, खाना वाना तो हो गया एंड सीरियसली बहुत ही ज़्यादा ठंड है एंड बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। कल प्लान कर रहे हैं हम कहाँ कहाँ जाएंगे
तो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी बस होटल चलते हैं, बस सोना ही है जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हैं, ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया है, तो बस जाते ही सो जाएंगे। कल मिलेंगे आपको दोबारा से, क्योंकि जाकर भाई। हाँ भाई, ज़रूर भाई, ज़रूर कल मिलेंगे। सो अभी रूम में आ चुके हैं एंड बस रेस्ट करने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा थके हैं। सो इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।